जब मुझे लेकर के गए गैर कानूनी तरीके से 13 दिन तक रखा, पहले ही दिन बिना कुछ पूछे हुए उन्होंने मुझे बुलाया, ढेर पुलिस थी, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके जो पीटना शुरू किया, इतना चौड़ा बेल्ट रहता है, इतना चौड़ा बेल्ट रहता है और उस बेल्ट में एक लकड़ी की मूठ लगा लेते इतना मजबूती से कि वो इनके हाथ में पकड़ा जाता है और वो उस बेल्ट से मारते हैं कि एक बेल्ट अगर आपके हाथ में पड़ता है तो ऐसा पूरा सूज के चला आता है, आप अगर दूसरा बेल्ट झेल पाएंगे तो आपके हाथ फट जाएंगे। ये जो बेल्ट मारते थे पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे और ये दिन और रात पीटते थे। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना कह रही हूं कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। बाल्टी में गर्म पानी लाते थे, उसमें नमक डालते थे, हमारे हाथों में उसको डुबोते थे, हमारे हाथों को उसमें डुबोते थे, जमीन पर कुटवाते थे जिससे वो थोड़े मुलायम होते थे एक आध घंटे में, और फिर पीटना शुरू करते थे। मुझे नहीं पता था इसका कारण क्या है, क्यों मुझे पीटा जा रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना था, जो मुझे बाद में पता चला, कि वो कहलवाना चाहते थे कि तुमने एक विस्फोट किया है और मुस्लिमों को मारा है।